सिंगरौली जिले में भारत सरकार के कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का 2 दिवसीय दौरा सिंगरौली में संपन्न हुआ। केंद्रीय खान एवं कोयला राज्य मंत्री सिंगरौली जिले के NCL हेडक्वार्टर मोरवा में मध्य प्रदेश की पंचायत राज्य मंत्री राधा सिंह सीधी, लोकसभा के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सिंगरौली विधायक राम निवास शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता सहित NCL CMD वी साई राम सहित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित सभी प्रोजेक्ट के कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने बैठक की। बैठक में मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ एक ही मुद्दा है विस्थापन का। वह मिलकर बैठकर और सांसद महोदय भी मंत्री राधा सिंह की उपस्थिति सभी से विचार विमर्श करके सभी मामलों का निपटारा करेंगे, जिससे कि NCL के लिए भी कारगर हो। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा कोयल का उत्पादन होना चाहिए, जिससे कि NCL का राजस्व बढ़े और जो भी विभिन्न प्राइवेट व भारत सरकार की तापीय विद्युत परियोजनाएं NCL के कोयला का उपयोग करके बिजली बना रहे हैं वह निर्विवाद रूप से चलती रहे। इसके साथ ही मंत्री ने NCL की विभिन्न परियोजनाओं जयंत निगाही, अमलोही, झिंगूर दह का दौरा किया और वहां उन्होंने अधिकारियों को सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा कोयले के उत्पादन के निर्देश दिए। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मुद्दा नहीं आता हो। मुद्दे के बीच से सलूशन निकाल के काम करना ही मकसद होता है। और यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो कुछ मित्रों ने मिला है विस्थापन का, यहाँ से जितने आवेदन पड़े हैं सब हम लोग रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे। हम सांसद जी के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से जितना पब्लिक हित में बेहतर हो सकता है, साथ साथ सरकार हित में भी। ऐसा नहीं है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा अगर पहल कर रही है, दोनों को बैलेंस करके तब हम लोग बेहतर काम करेंगे। और कोल इंडिया एक भारत का आर्थिक मैनेजमेंट में बड़ी बहुत बड़ी सहयोगी है। देखिए संतोष त्रिवेदी की रिपोर्ट।